फ्रेंड गौतम बुद्ध को तो आप सभी जानते होंगे। गौतम बुद्ध वही है जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। आज के समय में बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मशहूर धर्मों में से एक है। इस बात को आप सभी मानते होंगे कि आज बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं जो इसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। आपको पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं दिख जाएगी जो बहुत खूबसूरत और आकर्षक होती है। कई प्रतिमाएं तो ऐसी है जिन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची तक में जगह मिली हुई है। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो उनकी प्रतिमाएं बहुत आकर्षक होती हैं। कहीं आपको उनकी साधना करने वाली प्रतिमा मिलेगी तो कहीं ध्यान करने वाली। सभी प्रतिमाएं अपने आप में अनोखी है। खैर इन सभी प्रतिमाओं में से एक चीज सामान्य है, वो है गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में नजर आने वाले उनके घुंघराले बाल। लेकिन उनसे पीछे की असली कहानी अगर हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है गौतम बुद्ध के बालों का रहस्य? गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में जो आप घुंघराले बाल देखते हैं वह असल में बाल है या नहीं? जी हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि फिर वह आखिर क्या है। जी हाँ, दरअसल गौतम बुद्ध के सिर पर जो घुंघराले बालों जैसे दिखाई देते वह बाल नहीं बल्कि ढेर सारे स्नेल घूंगा है। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा न कि ऐसा कैसे, तो हम आपको इसके पीछे के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आत्मज्ञान बौद्ध भिक्षु करवाते हैं मुंडन। बौद्ध धर्म के दीपक से विनय पटिका ग्रंथ में बहुत से दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। इन दिशा निर्देशों को माने तो इनमें लिखा हुआ है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का तन और मन दोनों ही बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। इन दिशा निर्देशों को मानते हुए भिक्षु धर्म तन मन को पवित्रता के लिए अपने सिर का मुंडन करवा लेते हैं। यही किया था सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध ने। उन्होंने जब अपने राज्य का त्याग किया था तो उसी दौरान उन्होंने अपना मुंडन भी करवा लिया था। कैसे बुद्ध के सिर के बाल घूंगे कहा जाता है। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे, उस दौरान वह पेड़ के नीचे बैठे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। इस तरह 108 घूंगे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर बैठे रहे। इस तरह से उनकी जान चली गई कहा जाता है। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान दिलाने में इन 108 घूंगों ने अपनी जान दे दी। अपनी आम भूमिका के लिए 108 घूंगों को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नेल या लचीले शरीर वाले जानवर है, इनमें नमी होती है। इन्हें जब भी पकड़ा जाए तो ठंडक का एहसास होता है। अपनी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए घूंगे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके ऊपर बैठ गए, अपने प्राण त्याग दिए। आज गौतम बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर जो घुंघराले बाल जैसी आकृति बनाई जाती है वो असल में घूंगे हैं।